क्या अमिताभ बच्चन आपसे पूछेंगे? तो क्या सरकार इस ओर कोई पहल कर रही है कि सिर्फ WHO की रिपोर्ट नहीं है? WHO की रिपोर्ट फिट और अनफिट की नहीं है। एक प्रधानमंत्री जी इस देश में हुए थे तो कहते थे, 1 रुपया देते हैं 15 पैसा पहुंचता है। आज संसद के मानसून सत्र के 10वें दिन की कार्यवाही महत्वपूर्ण रही। आज दोनों सदनों में प्रश्नकाल में सांसदों ने विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे, जिसके जवाब संबंधित विभाग के मंत्रियों ने दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र की शुरुआत से पहले पेरिस ओलंपिक में भारत को तीसरा पदक दिलाने वाले निशानेबाज स्वप्निल कुसाले को बधाई दी। श्री स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर पुरुष राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से स्वप्निल कुसाले जी को हार्दिक बधाई देता हूं। लोकसभा में आज कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सरकार द्वारा ईडी, CBI और आयकर जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग की निंदा करते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सीमा की स्थिति और चीन के साथ भारी व्यापार घाटे पर चर्चा के लिए लोकसभा में निर्धारित कार्यवाही के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। लोकसभा में सत्र शुरू होते ही प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने आवश्यक दवाओं के सवाल का जवाब देते हुए बाजार मूल्य से 50-80% कम कीमत पर जेनरिक दवाएं और सर्जिकल आइटम उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई जन औषध की पहल की सराहना की। वहीं बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने WHO की रिपोर्ट का हवाला देते हुए वयस्कों के शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने पर सवाल किया, जिसका स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने उत्तर दिया। देखिए, ड्रग्स, इंस्टाग्राम और 70% युवाओं का दैनिक जीवन में सोशल मीडिया पर रहना, लगातार 60% यूथ के भीतर यह पाया गया अभी और यह सर्वे में है। तो क्या सरकार इस ओर कोई पहल कर रही है कि सिर्फ WHO की रिपोर्ट नहीं है? कई ऐसी रिपोर्टें हैं मंत्री महोदय, जिसमें बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है कि भारत अन्य देशों के मुताबिक भारत के युवा ज्यादा डिप्रेस में, ज्यादा सोशल मीडिया को यूज करते हैं, ज्यादा गंदगी के बीच रहते हैं। इस पर सरकार की कोई पहल है? WHO की रिपोर्ट फिट और अनफिट की नहीं है। WHO की रिपोर्ट यह है कि 59.9% लोग सफिशियंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। सफिशियंट फिजिकल एक्टिविटी एंड इनसफिशियंट फिजिकल एक्टिविटी, इसके बाद बीच की रिपोर्ट है। फिट डिगिन, कंस्ट्रक्शन वर्क, आउटडोर गेम्स, ये करने वाले सफिशियंट में आते हैं। और उसी तरीके से ये जो WHO की रिपोर्ट आई है, ये सेल्फ रिपोर्टेड स्कीम है, तो इसमें फिट और अनफिट का सवाल नहीं है। सफिशियंट फिजिकल एक्टिविटी करना या इनसफिशियंट फिजिकल एक्टिविटी करना, उससे सवाल है। और मेरे ख्याल से आप भी और हम भी इनसफिशियंट फिजिकल एक्टिविटी में ही आते होंगे, और बहुत से सदस्य इसमें आप भी इनसफिशियंट में ही आते होंगे। वहीं राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आधार, वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 की धारा 55 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति सदन के पटल पर रखी। आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद ने रेल मंत्री से बुलेट ट्रेन की प्रगति के संबंध में प्रश्न किया, जिस पर जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हाई स्पीड बुलेट ट्रेनों की सुविधा है। मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन भारत के लिए पहली ऐसी परियोजना होगी। इन ट्रेनों में चेयर कार और एग्जीक्यूटिव कार क्लास 2 कोच होंगे। वायडक्ट बनाने का काम कंप्लीट हुआ है। एक अंडर सी टनल जो ठाणे क्रीक में करीब जमीन से करीब 50 मीटर गहरी समुद्र के नीचे से, उस टनल का काम भी चालू हुआ है। 8 के 8 नदियों के ऊपर ब्रिज का काम बहुत अच्छी एडवांस स्टेज में है। स्टेशंस का काम भी बहुत अच्छा एडवांस स्टेज में, और करीब करीब सारी दुनिया में इस बात की चर्चा भी है कि भारत में काम बहुत अच्छा
तेजी से चल रहा है, कई नए इनोवेशन इसमें हुए। बुलेट ट्रेन में अगर हम थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएं, डॉक्टर ई श्रीधरन साहब जो कि रेलवे के सेक्टर में वन ऑफ द फाइनेस्ट जो अथॉरिटी माने जाते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की थी कि मेट्रो के अंदर कोई क्लास का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और मैं तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री श्रद्धे अटल जी के कार्यालय में काम करता था, मुझे उस समय का ये तब भी अनुमान है, ध्यान है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बुलेट ट्रेन में भी केवल दो श्रेणी रहेगी, एक नॉर्मल चेयर कार की और एक एग्जीक्यूटिव क्लास की, केवल दो श्रेणी रहेगी। वंदे भारत में भी इसीलिए केवल दो श्रेणियाँ रखी गई थी कि एक्चुअली प्रेफरेंस तो यही है कि केवल एक श्रेणी रहे, कोई भी व्यक्ति कहीं भी आके बैठे। हम समाज की जिस तरह के समरस समाज की व्यवस्था करना चाहते हैं, जो हम लोगों का विचार है, उस विचार के अनुसार श्रेणियाँ उसमें नहीं आती है। राज्यसभा में आज राष्ट्रीय जनता दल से सांसद मनोज कुमार झा ने सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून लागू करने की योजना को लेकर प्रश्न पूछा। वहीं आज राज्यसभा में कृषि मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा पर मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के DNA में ही हमेशा से किसान विरोध रहा है, कांग्रेस की प्राथमिकताएं ही गलत रही। इस सदन में विपक्ष ने शकुनी का नाम लिया, अब जिसकी जैसी भावना वो वही बोलेगा। शकुनी अधर्म का प्रतीक था, हम तो कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, धर्म की बात करने वाले हैं, हम ऐसे किसी को नहीं छेड़ते, लेकिन जब कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ते भी नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि का बजट समझाया। उन्होंने कहा इस बार 1,32,000 करोड़ कृषि पर खर्च होंगे, कभी कृषि के लिए मात्र 2,700 करोड़ मिलते थे, इस बार खाद सब्सिडी पशुपालन को जोड़ लें तो बजट 1.75 लाख करोड़ रुपए बैठेगा। उन्होंने इस दौरान कहा कि रिवर लिंक की बात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की और उस पर काम तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उन्होंने कहा एक प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपए भेजते हैं 15 पैसा पहुँचता है, आज 1 भेजते हैं तो सीधे 1 पहुँचता है, वो भी DBT के माध्यम से। सुनिए, 2004 में आपने कहा नहीं किया, 2009 में आपने कहा नहीं किया, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मोदी जी ने 3 किस्तों में 6,000 रुपया हर साल, और ऐसे नहीं DBT के माध्यम से, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। एक प्रधानमंत्री जी इस देश में हुए थे जो कहते थे 1 रुपया देते हैं 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन मोदी जी ने कह दिया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसलिए 1 डालते हैं तो सीधा 1 रुपया ही पहुंचता है। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राज्यसभा में नीट और NTA को रद्द करने पर चर्चा का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने जवाब दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि जब हम नीट की बात करते हैं तब ये MBBS, BAMS, BHMS में एडमिशन को देखता है, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे विद्यार्थियों के साथ बहुत अन्याय हो गया है, राज्यों के अधिकार का हनन हुआ हो, किसी क्षेत्र के विद्यार्थियों को अधिक एडमिशन मिल गया हो। हम भूल जाते हैं कि सही में मेडिकल एजुकेशन की स्थिति क्या हुई थी। उन्होंने कहा कि मेडिकल एजुकेशन एक व्यवसाय का अड्डा बन गया था। NTA में हम लोगों ने पहली बार मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में टेस्ट शुरू किया, आज 13 भाषाओं में ये हो रही हैं। इसका फायदा ये हुआ कि आज सरकारी स्कूल का पढ़ा बच्चा मेडिकल एजुकेशन में आ रहा है। राज्यसभा में नीट और NTA को रद्द करने पर चर्चा खत्म होने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। उधर लोकसभा में वर्ष 2024-25 के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। दिल्ली से BJP सांसद मनोज तिवारी ने केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य आवंटन की सराहना की। उन्होंने कहा दिल्ली सरकार UCMS पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, कृपया इसे रोके। सुनिए, हमारे यहाँ एक यूनियन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उसको अचानक से दिल्ली सरकार ने अपने अंडर में लेने का प्रोसेस शुरू किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ ये दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट, उसके पास न स्कूल संभल रहे हैं न अस्पताल संभल रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ चेयर के थ्रू मंत्री जी से कि हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज को UCMS को दिल्ली सरकार में न जाने दिया जाए, कृपया जहाँ है वहीं रहने दिया जाए ताकि बच्चों की जिंदगी बन सके।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में उत्तर प्रदेश से आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर, तेलंगाना से सांसद असुद्दीन ओवैसी, उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद सतीश गौतम, बिहार से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव व अन्य ने चर्चा में हिस्सा लिया। सोमवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी।